यूपी को पीएम मोदी ने दी बड़ी सौगात। जेवर में हुआ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भूमि पूजन। प्रधानमंत्री मोदी ने रखी जेवर एयरपोर्ट की नींव। सीएम योगी भी भूमि पूजन के मौके पर रहे मौजूद। विपक्ष पर निशाना साधते हुए सीएम योगी ने कहा, कुछ लोगों ने गन्ने की मिठास को कड़वाहट में बदला, लेकिन आज ये देश गन्ने की मिठास को नई उड़ान देगा। आज ये देश के अंदर एक नया द्वंद बना है। ये देश गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान देगा। मुख्यमंत्री योगी ने जेवर एयरपोर्ट के लिए दी बधाई, साथ ही एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले किसानों का जताया आभार। जेवर एयरपोर्ट के लिए जमीन स्वयं मुख्यमंत्री आवास पर लखनऊ में आकर के उपलब्ध करवाया है। उन सभी किसान भाइयों का भी मैं अभिनंदन करते हुए आज के इस अवसर पर मैं पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आप सभी भाइयों बहनों को हृदय से बधाई देता हूं। सीएम योगी ने मंच से बोलते हुए यहां की विकास योजनाओं के बारे में लोगों को बताया। कहा, इन योजनाओं से रोजगार की नई संभावनाएं आगे बढ़ेंगी। लॉजिस्टिक पार्क और हेरिटेज सिटी समेत वे तमाम योजनाएं यहाँ के लिए लागू होने जा रही हैं, जो यहाँ पर लाखों लोगों के लिए रोजगार की नई संभावनाओं को आगे बढ़ेगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर ट्वीट कर साधा निशाना। कहा, अगर सपा सरकार के समय फिरोजाबाद में प्रस्तावित एयरपोर्ट बनने की अनुमति केंद्र की भाजपा सरकार ने न रोकी होती तो जेवर के साथ चूड़ियों को भी जुड़ने का मौका मिलता। लखनऊ में हुई जनवादी सोशलिस्ट पार्टी की रैली, मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए अखिलेश यादव। अखिलेश ने सरकार पर बोला हमला। कहा, इस सरकार का सिर्फ एक ही काम, नाम बदलना। रंग बदल देना और अभी भी नाम बदल रहे हैं। जब सरकार जाने वाली है तब भी नाम बदल रहे हैं। और इस बार जनता ने ठान लिया है कि इस नाम बदलने वालों को बदल देंगे। अखिलेश यादव ने मंच से कहा, यही नारा आज का नहीं चाहिए भाजपा। आज हर वर्ग भाजपा से नाखुश। मैं लहराता हुआ झंडा देख करके कह सकता हूँ, यही नारा आज का है कि नहीं चाहिए भाजपा। आज कोई वर्ग हो, आज हर वर्ग के लोग दुखी हैं। सपा अध्यक्ष ने एयरपोर्ट के शिलान्यास को लेकर कहा, एयरपोर्ट बेचने के लिए हो रहा शिलान्यास, सरकारी सामान बेचने का लगाया आरोप। सरकारी संस्थाएं बेचने लगे तो बताओ हमारे गरीब जवान समाज के लोगों, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें अधिकार और सम्मान के लिए जो संविधान दिया था, अगर सरकारी चीजें बिक जाएंगी तो बताओ आने वाली पीढ़ी के भविष्य के बारे में क्या होगा। अखिलेश यादव ने रैली में कहा, आज सब दल के झंडे हमारे साथ, इतने रंगों को जोड़कर साथ चलने का काम सपा ने किया, रंगों को जोड़कर करेंगे विकास। सब दल के झंडे हमारे साथ हैं तो इतनी रंग बिरंगी पार्टी किसी के पास नहीं होगी। इतने रंगों को जोड़ करके आगे चलने का काम किसी ने नहीं किया होगा। समाजवादी लोग सब रंगों को जोड़ करके एक शानदार और खूबसूरत गुलदस्ता बनाना चाहते हैं। सपा अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा, भाजपा की सरकार में पढ़ाई लिखाई बर्बाद, शिक्षित होने के बाद भी नहीं है देश में रोजगार। ना अच्छी शिक्षा दे पा रहे, और अगर शिक्षित भी हो जाए नौजवान तो ना उसके लिए नौकरी है ना रोजगार का इंतजाम है। अखिलेश यादव बोले, भाजपा सरकार एक तरफ हवाई अड्डा बना रही है, दूसरी तरफ बेच रही है, कौन करेगा सरकार पर भरोसा। एक तरफ तो हवाई अड्डा बेच रहे हैं, दूसरी तरफ हवाई अड्डा बना रहे हैं। बताओ आप इनकी बातों पे भरोसा करोगे कि नहीं करोगे, कौन भरोसा करेगा इन पर। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रैली में आई भीड़ को देखते हुए कहा, एक वोट डाला जाएगा अपने अपमान का जो हुआ है, दूसरा साइकिल की रफ्तार बढ़ाने के लिए। कि जिस समय वोट डाला जाएगा तो एक वोट तो ये डालेंगे अपने अपमान का जो धोखा दिया है, और दूसरा वोट साइकिल की रफ्तार बढ़ाने के लिए वोट डालेंगे। कृषि कानून की वापसी पर अखिलेश ने बोला, घबराने की वजह से सरकार ने वापस लिए तीनों कृषि कानून, एमएसपी के लिए सपा लगातार करेगी संघर्ष। इस बार किसान उन्हें गांव में घुसने नहीं देंगे, किसान उनका जवाब दे देंगे वोट से, इसीलिए तीनों कानून वापस हो गए हैं।
अभी तीन ही कानून वापस हुए, अभी कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ है। सीट बंटवारे को लेकर सपा और रालोद में बनी सहमति, सूत्रों के हवाले से खबर। रालोद की मांग 40 सीटों की, 36 सीटें देने को समाजवादी पार्टी तैयार, 4 सीटों पर फैसला एक दो दिन में संभव। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव से मिले राजा भैया, नेताजी के आवास पर की शिष्टाचार भेंट। राजा भैया ने मुलायम सिंह से भेंट कर दी शुभकामनाएं। मुलाकात की तस्वीर